ये भविष्य भैया की डायरी है। इसमें प्रीति से जुड़ी हुई उनकी हर याद शामिल है। यही वो डायरी है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। प्रीति ने आज पहली बार मुझे वो तीन शब्द कहे जिसे दुनिया का हर लड़का एक बार तो लड़की की जुबान से सुनना चाहता ही है। आज पहली बार उसने मुझे अपना होने का एहसास दिलाया। आज गुलाबी कपड़ों में मेरी प्रीति बिल्कुल अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही थी। हवा के झोंके में उड़ती उसकी जुल्फें, उसकी आंखों को और भी गहरा बनाता वो काजल। ये घर, ये पैसा, ये मेरा है। ये शान और शौकत अब सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। हेलो। हेलो रसीली भाई, मैं आपकी प्यारी बेटी पवित्रा बोल रही हूँ। ये अच्छी कही। मेरी इस पवित्रा को अब कजरी बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब तो उस खानदान और उसकी दौलत पर तुम्हारा ही राज होगा मेरी जान। हाँ रसीली भाई, इतनी मेहनत के बाद आखिर ये घर मेरे हाथ आ ही गया। अब बस अगर मेरी प्यारी सासू माँ अपने हाथों से मुझे इस घर की चाबियां दे दे तो बस उसके बाद मैं उन्हें गंगा जी के दर्शन करने जरूर भेज दूंगी। अगर सब कुछ वैसे हुआ जैसे हमने तय किया है तो वो दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं। ऐसा आप रसीली भाई, क्या हो रसीली भाई? अब तुम्हारा लुका छिपी का खेल खत्म हुआ रसीली भाई। कोठा तो नहीं लेकिन जेल की काली कोठरी तुम्हारा इंतजार जरूर कर रही है।
ले चलो सर। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, देखिए मैं ये काम बंद कर दूंगी। बंद क्या कर दूंगी, लीजिए बंद कर दिया इसी वक्त। ले चलो सर, इसकी जगह जेल में है, इस समाज में नहीं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, देखिए इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए, एक बार सुनिए तो सही मैं क्या कहना। पुलिस, रसीली भाई को पुलिस पकड़ के ले गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी। गजरी, आज मैं बहुत खुश हूं। आज हम दोनों का सपना पूरा हो गया। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कोई नहीं। I love you. I really, really. रसेली भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या? लेकिन कब? कैसे? युवराज वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन युवराज हमें किसी भी तरह रसीली बाई को जेल से निकलवाना है। पर कजरी, इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। आज हमारी सुहागरात है। समझने की कोशिश करो, अगर आज हम बिना किसी को बताए यहाँ से बाहर जाएंगे तो उनके सवालों का जवाब देना हम दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती युवराज, हम रसीली बाई को इस तरह जेल में रहने नहीं दे सकते। बस कजरी तुम भी ना। अच्छा ठीक है, पर हमें सबके सो जाने का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहां से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, अब तो तुम खुश हो। यहां कोई नहीं है, आ जाओ। चलो जा रहे हो तुम दोनों इस वक्त? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों इस वक्त?
वो हम राजमाता से मिलने जा रहे हैं। मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। राजमाता की बहुत याद आ रही है, इसलिए हम दोनों। राजमाता से मिलने जा रहे हो तो जाओ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें अपने माँ की बहुत याद आ रही होगी ना। जाओ शांति से जाओ। हाँ जी, ये सब क्या हो गया रसीली भाई? अब हम क्या करेंगे? कुछ भी करो कजरी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बस मैं यहाँ नहीं रह सकती, दम घुटता है मेरा यहाँ पर। आप फिक्र मत कीजिए रसीली भाई, मैं और इब्राहिम जल्दी कुछ करते हैं। हम ज्यादा देर आपको यहाँ नहीं रहने देंगे, मैं वादा करती हूँ आपसे।
प्रीति। तुम अपने भविष्य के पास लौट आई। इतनी रात को इस वक्त ये कपड़े पहनकर क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगा कि तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो? जरा भी अच्छी नहीं लग रही हो तुम, जरा भी। क्यों भविष्य, क्या खराबी है इन कपड़ों में? और मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो किया है, तुम्हारे लिए तो सजी सवरी हूं मैं। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोलो ना भविष्य, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अभी और इसी वक्त ये कपड़े जाकर बदलो तुम, समझी तुम? दीदी क्या बात है, क्या हुआ वहाँ? कुछ देर के लिए उन्होंने ये मान लिया था कि मैं सरस्वती नहीं प्रीति हूँ। काफी परेशान भी हुए वो, लेकिन मुझे लगता है मुझे अपने प्रीति के रूप में देख के वो ज्यादा खुश नहीं हुए। लक्ष्मी दीदी, मुझे लग रहा है हमारा प्लान काम कर रहा है। अभी यही तो हम चाहते थे, हम बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, बहुत जल्द। नमः शिवाय, नमः।